नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बहुत कम समय में अपना नाम बनाने वाले कलाकारों की अगर एक फेहरिस्त बनाई जाए तो उसमें निराली कार्तिक का नाम जरूर होगा। और रागगिरी की खुशकिस्मती है कि आज निराली हमसे जुड़ने जा रही है। निराली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शिवेंद्र जी, आपके प्लेटफॉर्म रागगिरी पे आपने मुझे बुलाया और आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है इस कॉन्वर्सेशन में। निराली, चलिए अब आते हैं सिलसिलेवार आपके संगीत सफर पर। और मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा भी आपके बारे में कि आपने 9 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। और इसकी वजह शायद ये थी कि आपकी माँ खुद गायिका थी और भाई आपके तबला बजाते थे, तो वो जो बचपन के दिन थे और जो जीवन में संगीत आया उसकी जो कहानी है वो जरा हमें बताइए। मेरी संगीत की यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। मैं मानती हूँ कि संगीत हमारे जीवन में सिर्फ ईश्वर कृपा से आ सकता है, सरस्वती माता की देन है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ अभ्यास से नहीं होता, हमारे चाहने से नहीं होता, सबसे पहले ईश्वर कृपा की बहुत जरूरत है। और इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रही, मेरे जीवन में संगीत पहले से ही था। मेरी माँ खुद अच्छा गाती हैं और बचपन से ही हमारे घर में संगीतमय वातावरण रहा। घर में हमेशा रेडियो बजता रहता था, लता जी के गाने और बेगम अख्तर जी के गाने बहुत ज्यादा मेरी मम्मी सुनती थी। और ऐसे करते करते मेरा भाई भी बहुत अच्छा तबला बजाता है और बचपन में हम साथ में प्रैक्टिस भी करते थे। उन्होंने भी मुझे काफी संगीत के संस्कार दिए शुरुआत के, जो घर में जो संस्कार, जो शुरुआती संस्कार है वो मेरी माँ और मेरे भाई से जो बहुत अच्छे से मिले। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक में रखा, जहाँ पे मुझे मेरे पहले दो गुरु मिले। तो मेरे पहले गुरु जो थे पीजी शिंदे जी, वो रेडियो के रिटायर्ड कलाकार थे और बहुत ही ज्यादा ओल्ड थे, पर मुझे उन्होंने इतना इनकरेज किया, अभी भी मुझे याद है वो इनकरेजमेंट के शब्द। वो कैसे एक बच्चे को ना थोड़ा एक कुछ आप अप्रिशिएट करते हो तो वो बच्चे को उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ही काइंड ऑफ मेड इट वेरी प्लेफुल एंड वहां से मुझे संगीत का थोड़ा बहुत ही एक लगाव होता गया। और ऐसे करते ही मुझे मेरे गुरु श्री विकास भाई परीख मिले, जो मेवाती घराना के ही है। तो मेरा जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग, जो एक्चुअल ट्रेनिंग हुआ, वो यहाँ से शुरू हुआ। और कई साल तक, जब तक मैं अहमदाबाद में थी, मैं अहमदाबाद से मुंबई 2008 में शिफ्ट हुई, सो वहां तक मैं सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक में ही रही और श्री विकास भाई परीख के जो गाइडेंस में मुझे फाउंडेशनल ट्रेनिंग मिली। सो ऐसा था मेरा मेरी संगीत की जो शुरुआती यात्रा थी, वो यहाँ से शुरू हुई। और निराली, मैंने तो सुना कि बचपन की जो शैतानियां होती हैं वो शैतानियां भी आप लोग की संगीत के जरिए ही होती थी, यानी कौन ज्यादा देर तक सम लगा सकता है या कौन कितनी लंबी तान बोल सकता है, तो ये जो संगीतमयी शैतानियां थी इनको जरा याद करते हैं तो अब क्या याद आता है? जी बिल्कुल, शैतानियां तो हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं और मेरा भाई साथ में ही सब जो भी हमारा रियाज, जब भी छोटे होते जितना भी हम प्रैक्टिस करते थे साथ में करते थे। और इसमें हम लोग सांस किसकी लंबी, सबसे ज्यादा लंबी चलती है, जैसे हम ये सबसे कौन खींच सकता है, वो हमेशा हम करते थे। और करते करते हम फूट फूट के हंसने लगते थे, क्योंकि ये होता है ना कि एक चीज डिसाइड करते हो फिर होती नहीं है, तो ये हम बहुत ही ज्यादा करते थे। और हम लोग तिहाइयां बहुत अच्छे से बनाते थे उस समय में, जबकि हम एज अ तबला प्लेयर, वो मेरे भाई तबला प्लेयर रह चुके हैं, सो उनको तिहाइयों से बड़ा फैसिनेशन था और वही फैसिनेशन मुझे भी आया है। तो आज भी मैं तिहाइयों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ और जब भी तिहाई अच्छे से आती है तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, ऐसी ऐसी प्यारी सी जो यादें मेरी मेरे संगीत से जुड़ी हुई है वो मैं बहुत ही ट्रेजर करती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे संगीत में ये जो प्यार भरा जो एक समय था मेरे चाइल्डहुड का, वो कहीं ना कहीं झलकता रहता है।
अच्छा निराली, घर से जो सीखने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जब जब एक लेटर स्टेज में जब आप गंभीरता से, संजीदगी से उसको प्रोफेशनल करियर के तौर पर चलने की दिशा में सीखना शुरू करते हैं तो गुरुओं की जरूरत होती है। तो अपने गुरुओं के बारे में हमें बताइए, किन किन गुरुओं ने आपको, निराली कार्तिक का जो आज तक का सफर रहा है उसमें किन किन गुरुओं का योगदान रहा? बिल्कुल शिवेंद्र जी, जो आपने कहा कि ये कला में गुरुओं का स्थान सबसे उच्च है और ये गुरुमुखी विद्या है, मतलब गुरु के मुख से जो निकला हुआ वाक्य वो ही एक शिष्य को अपनी अपना जो ज्ञान है, अपना वेदर इट इज कोई राग का ज्ञान हो या परफॉर्मेंस का ज्ञान हो, वही डायरेक्टली सब गुरु से आता है। सो शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि पीजी शिंदे जी और फिर श्री विकास भाई परीख, और फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं पंडित संजीव अभ्यंकर जी से सीखूं, जो आज मेरे गुरु हैं। और जैसे ही मैं बॉम्बे आई तो मैं उनके कॉन्सर्ट में गई और उनको मैंने पूछा कि जैसे हम पहले से उनके साथ मेरा थोड़ा परिचय था, उनके कॉन्सर्ट में मैं जाती रहती थी, पर इस बार मैंने उनको पूछा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत ही पोलाइटली कहा, एंड ही इज ऑलवेज बीन वेरी काइंड। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं सिखाता बट 5-6 साल के बाद मैं सिखाऊंगा, एंड आई वाज लाइक ओके 5-6 साल वेट करना पड़ेगा। सो एंड देन मैं मेरा रियाज करती रही, सुनती रही, बहुत अच्छे कलाकारों का सुनती रही, कॉन्सर्ट्स में भी मैं काफी जाती थी, तो ये सब सुनना चालू था। और हर 2-3 साल के बाद मैं संजीव दादा को पूछती थी कि अभी आप शुरू करना सिखा रहे हैं तो मैं आपके पास सीखने आ जाती हूँ। तो वो तो मतलब सच में वो 5-6 साल तक हुआ नहीं, एंड आफ्टर अराउंड 6 years ऑफ माई आस्किंग हिम फर्स्ट, उनका मुझे एक यू नो लाइक एक कॉन्सर्ट में मैं गई थी उनके, और वहां उन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं सिखाना शुरू कर रहा हूँ तो तुम आ सकते हो। सो दैट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट प्रेशियस मोमेंट, क्योंकि एक होता है कि आपके जीवन में एक आइडल होते हैं, तो मेरे जीवन में मेरे आइडल, मेरे गुरु मुझे सिखाएंगे, वो जान के मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी जो मेरा संगीत का जो सफर है वो मुझे इतना फुलफिलिंग लग रहा है, और लग रहा है कि जितना भी जो भी वेट है इट वॉज वर्थ द वेट, बिकॉज हर एक राग की एक छवि, हर एक राग का एक अपना स्वभाव है, हर एक राग का एक अपना स्वरूप है, तो वो कैसे बनाना है, हर एक राग को कैसे ट्रीट करना है और उसकी खूबसूरतियां कैसे निकालनी है, वो मुझे मेरे गुरु से अभी मिल रही है। एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल टू ऑल माई गुरुज जिन्होंने मुझे संगीत के प्रति इतना लगाव दिया। और ये हुआ मेरे प्रत्यक्ष कह सकते हैं गुरु, पर मैं परोक्ष तरीके से भी बहुत सारे आर्टिस्ट का सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, और इसमें जो सबसे आगे जो है वो मेरे बड़े गुरुजी पंडित जसराज जी, जिनको हम बचपन से ही सुन रहे थे और उनके आशीर्वाद भी मुझे कई अवसर पे मिले, तो ही हैज बीन वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशंस। सो उस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कलाकारों ने मुझे इंस्पायर किया है, लेकिन गुरुओं का जैसे आपने कहा कि स्थान जो है वो अवर्णनीय है और हमेशा हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। और इसी सवाल को थोड़ा और अगर आगे बढ़ाऊं तो फिर आपने कभी ये डिसाइड किया कि अब संगीत जो है, जो शास्त्रीय संगीत सीखा है इतने बरस तक, उसको ही प्रोफेशनल तौर पर हमको आगे लेकर आगे बढ़ना है? जी, तो संगीत का माहौल जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही था, तो माहौल मिलने से जो आपका एक ग्रेस्पिंग पावर होता है या सीखने का एक उसकी एक लय होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि माहौल मुझे बहुत अच्छा मिला घर में, तो गाना होता चला गया और साथ साथ में स्टडीज भी होती गई। और जब मैं 10th में आई तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे संगीत ही करना है आगे जाके, तो तब मैंने मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी मैंने आर्ट्स लिया, और नॉट सेइंग, नॉट जजिंग कि आर्ट्स कुछ कम है या साइंस कुछ ज्यादा है, बट मैंने सुना था कि आर्ट्स में थोड़ा पढ़ाई कम करना पड़ता है, तो मैंने आर्ट्स ले लिया और तभी मेरा अच्छा बैलेंस हुआ संगीत के साथ मेरा स्टडीज।
और जैसे ही मैं कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल्स में पार्ट लेने लगी और वहां से मुझे एक अलग ही एनकरेजमेंट मिला, क्योंकि जब भी आपको एक प्राइजेस वगैरह मिलने लगते हैं, जब भी आपको लोग जानने लगते हैं थोड़ा बहुत अपने शहर में, अपने आसपास के लोग जानने लगते हैं कि आप गाते हो, आप अच्छा गाते हो, हमने सुना आपको प्राइज मिला, तो यू नो दैट दो इट साउंड्स अ लिटिल मटीरियलिस्टिक बट एट सर्टन पॉइंट इट एक्चुअली हेल्प्स इन योर क्रिएटिव जर्नी, इन योर म्यूजिकल जर्नी। तो मैंने मास्टर्स भी कर लिया ऐसे साइकोलॉजी में और साथ साथ में मेरा संगीत भी होता चला गया और फिर मैं बॉम्बे आने के बाद म्यूजिक एज अ करियर शुरू हो गया। सो इट हैज बीन आई वुड से अ नाइस बैलेंस्ड जर्नी बिटवीन माय म्यूजिक एंड स्टडीज। अच्छा निराली, आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा विनम्रता से कि कोई एक चीज, कोई एक भजन जिसकी शुरुआत हम आपकी गायकी के पक्ष की शुरुआत क्यों ना एक भजन से करें, तो कोई एक भजन सुनाइए हमें। अच्छा निराली, जब आपकी उम्र के किसी कलाकार से मैं बात करता हूं तो मेरा बहुत एक पसंदीदा सवाल है और वो सवाल ये कि आप जब बड़ी हो रही थी तो आप किन कलाकारों को आपने सुना, क्योंकि आज की जो जनरेशन है और आप लोग बहुत यंग आर्टिस्ट हैं अभी, आज की जनरेशन जो सुन रही है उससे उसको अंदाजा लगेगा कि अगर एक वाकई एक अच्छा कलाकार बनना है, एक संजीदगी भरा कलाकार बनना है, तो किन कलाकारों को सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और अच्छा संगीत सुनना कितना जरूरी है, तो बताइए थोड़ा इस बारे में हमें। बिल्कुल शिवेंद्र जी, एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक सुनने का रियाज भी बहुत जरूरी है, जितना इम्पोर्टेंट गाने का रियाज है। तो बचपन से ही मेरी मम्मी बेगम अख्तर जी को सुनती थी तो वैसे ही मेरे नेचुरली वही गाना मेरे कानों पे पड़ा। बट जो मैं जब भी खुद से सुनने लगी तो ऑफकोर्स मेरे बड़े गुरुजी पंडित जसराज जी, फिर मेरे गुरुजी पंडित संजीव अभ्यंकर जी, उनके बहुत सारे एल्बम जितने भी आते थे वो सीधा हम लेने जाते थे एंड वी यूज्ड टू लिसन टू इट। उसके अलावा मैं काफी सारे फीमेल आर्टिस्ट को भी सुनती थी, जैसे कि पंडिता किशोरी अमोन करताई, वीणा जी, वीणा सहस्त्रबुद्धे जी और पद्मा तलवलकर जी। पर जिस फीमेल आर्टिस्ट से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, परवीन सुल्ताना जी अभी मुझे बहुत पसंद है, पर एक जो आर्टिस्ट बहुत ही मुझे आज तक इंस्पायर करती हैं वो है श्रीमती अश्विनी भिड़े जी, जिनका मुझे गाना इतना पसंद है क्योंकि मुझे उनका एक राग का चित्रण बहुत ही सुंदर लगता है। इट फील्स वेरी इमोशनल, इट फील्स वेरी डेलिकेट टू मी। तो मुझे बहुत ही पसंद है उनकी गायकी और कई बार मैं परफॉर्मेंसेस में भी उनके जो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने गाई हुई रचनाएं हैं, वो मैं गाने की कोशिश करती हूँ। तो सुनने का रियाज जैसे आपने कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर एक दिन गाना नहीं गाया तो चलेगा, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है।
निराली, अब आप जानती हैं कि फिर गुजारिश यही है कि कोई एक राग, कोई एक आपकी आपकी मर्जी, आप कोई राग सुनाना चाहें हमें या कोई बंदिश सुनाना चाहें, जो आपकी इच्छा करे। मेरे गुरु जी पंडित संजीव अभ्यंकर जी के लिए एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। हर हर शिव शंकर राग भैरव। निराली, आप इस वक्त जिनसे सीख रही हैं, जो आपके गुरु हैं पंडित संजीव अभ्यंकर, वो भी रागगिरी से जुड़े रहे हैं और हमको बहुत उनका भी स्नेह मिलता रहता है, हमारी मुहिम को उनका बहुत स्नेह मिलता रहता है और हम संजीव जी को एक कलाकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप बताइए गुरु के तौर पर संजीव अभ्यंकर जी के बारे में कि एक गुरु के नाते आपने उनसे क्या कुछ खास सीखा है, आपने उनमें क्या कुछ खास देखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पंडित संजीव अभ्यंकर जी आज हमारे देश के टोच के कलाकारों में से एक है, तो एज अ गुरु ही इज वेरी अप्रोचेबल। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत छोटा सवाल है राग के बारे में, ये पूछेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी सवाल हो, कुछ भी कंफ्यूजन डाउट हो, वो हम उनको पूछ सकते हैं। और उनका एक जो एलिमेंट जो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं और हर गाने का हर एस्पेक्ट वो बहुत ही अच्छे से एम्फोसाइज करते हैं, लेकिन जो एक खास बात जो हमेशा वो कहते हैं इज अबाउट डिजाइनिंग। और वो इतनी खूबसूरती से वो एक राग को डिजाइन करते हैं और वही चीज वो हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी हो। और हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग गाना अच्छा गाते हो, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाओगे, ये सोच होनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा गुरु से मिली है। और बाकी कई चीजें हैं, जैसे कि प्रिसिजन, क्लैरिटी, मेवाती घराने की खास बातें, तो ये सब तो जैसे पहले ही मैंने कहा कि गुरु मुखी विद्या है, तो गुरु बताते जाते हैं और हम एक हमारी तरफ से कोशिश रहती है। और जबकि हम संजीव दादा की बात करें तो ही इज वेरी इजी गोइंग एज अ गुरु, और क्लास में बहुत ज्यादा मस्ती भी होती रहती है, हंसी मजाक भी होता रहता है। जैसे कि कोई कृष्ण की बंदिश आ रही है तो पूरे ही वो कृष्णमय बनके, कृष्ण बनके ही फिर वो हमें सिखाते हैं, ऐसा भी होता है सिलसिला। और अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आई रियली रियली एडमायर अबाउट हिम इज दैट ये कला ऐसी है कि बहुत बड़ी कला है, और इससे थोड़ा डर जाना या इससे थोड़ा ओवरवेल्म हो जाना या बोल देना कि ये कला एक कितना ज्यादा उसका एक प्रभाव हो सकता है, लेकिन वो हमेशा एक बैलेंस की बात करते हैं कि गाना है एक बहुत खूबसूरत चीज है हमारे जीवन में, लेकिन और भी एस्पेक्ट्स जो हमारे लाइफ के हैं उसको भी ध्यान देना है। तो हमेशा वो बैलेंस की बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जिस तरह से वो टाइम बिताते हैं, इट फील्स दैट संगीत उनका इसलिए इतना हैप्पी है क्योंकि वो हर चीज को लाइफ की उतना ही महत्व देते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी उनके पास से मुझे सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जीवन में नहीं है जो आप कम्युनिकेशन से सॉल्व नहीं कर सको। सो दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स और बहुत ही बाय द वे आती हैं, ऐसा नहीं कि चलो आज हम बहुत कुछ फिलोसॉफिकल बात करेंगे या सीरियस बात करेंगे,
कभी कभी हंसी मजाक में भी ऐसी बातें वो कह देते हैं, शायद उनको भी याद नहीं रहता होगा, बट जो हमें लेना है, हमें सीखना है, हम सीख लेते हैं। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव पंडित संजीव अभ्यंकर जी एज माई गुरु इन दिस लाइफ टाइम। आई एम टोटली ग्रेटफुल। और मैं जानता हूँ कि माटी बानी के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और आपके नाम में जो कार्तिक शब्द है वो दरअसल आपके जीवन साथी हैं। तो ये दो संगीत से जुड़े लोगों का आपस में जो मिलन हुआ, ये कैसे हुआ? कहां से कैसे आप लोग मिले? कैसे तय किया कि जीवन साथी बनना है? और अब जो हम कहते हैं ना कि बहुत प्रचलित भाषा में कि एक और एक दो नहीं, दरअसल एक और एक 11, तो क्या ये जो जोड़ी है निराली कार्तिक की, ये दोनों मिलकर एक और एक 11 हो जाते हैं? कैसे देखते हैं आप लोग इसको? तो माटी बानी की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है। मैंने एक कंपोजर से शादी की, एंड वो जो कंपोजर है उनका नाम है कार्तिक शाह, और बहुत ही ज्यादा टैलेंट उनकी जो है उससे मैं प्रभावित हो गई, और मुझे लगा कि काफी अच्छा रहेगा, जीवन संगीत में रहेगा। तो हम दोनों ने 2007 दिसंबर में शादी की, और उसके बाद जो हमारा जो साथ में जो हमने संगीत का सफर शुरू किया, वो मेरे जो क्लासिकल का जो है उससे थोड़ा अलग है। सो मैं क्लासिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, और कार्तिक पूरा ऑन द एक्सट्रीम एंड, जिनको क्लासिकल के अलावा सब उनको समझ में आता है। सो ये जो हमारा साथ में आना, और ये फिर इट बिकेम वेरी नेचुरल कि हम साथ में कुछ म्यूजिक करें, और जिसमें क्लासिकल भी हो और उनका जो एक्सपर्टीज है वो भी हो। तो साथ में हमने शुरुआत की, और हमने पहले से ही सोचा था कि यू नो ये जो बैंड या प्रोजेक्ट जो भी कह सकते हैं, हमने ऐसे बैंड तो नहीं शुरू किया था, एक यू नो जस्ट एज अ ऑफरिंग कि हम साथ में ये करते हैं यू नो, तो ऐसे हमने शुरुआत की। तो तभी हमने सोचा था कि जो भी हम इसके साथ करेंगे, इट विल बी लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ, जहाँ पे हम बहुत सारे कलाकारों के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, नए नए जो विचार है उसको हमारे संगीत में लाएंगे, और हमारा जो संगीत का जो एक हमारा क्षेत्र है या हमारी जो दुनिया है उसको हम थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारी सोच समझ जो हम बहुत ज्यादा एक थॉट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जो हमारा अगर मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ तो मुझे फिर सिर्फ क्लासिकल ही करना है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे मेरा जो मेरा परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक मुझे एक्सपेंड करना है, और थ्रू माटी बानी ये हमने हम कर पाए और हम कर रहे हैं, एंड इट हैज बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। आज तक हमने 200 से भी ज्यादा आर्टिस्ट के साथ काम किया है जो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, और काफी समय हम ऑनलाइन भी काम करते हैं उनके साथ। तो इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड ऑल्सो जस्ट लाइक क्लासिकल म्यूजिक इट हैज योर रियली हेल्प्ड मी टू बिकम हु आई एम एज अ पर्सन। कार्तिक के टैलेंट से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, और ऐसा कुछ हुआ था कि कार्तिक को एक डॉक्यूमेंट्री के लिए म्यूजिक बनाना था, और उन्होंने मुझे बुलाया उसके आलाप के लिए, वहाँ जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसके आलाप के लिए मुझे बुलाया, और मैं तो आलाप गा के निकल गई, हो गया मेरा रिकॉर्डिंग। और फिर जब उन्होंने मुझे फाइनल जो फिल्म के साथ उन्होंने क्या म्यूजिक किया है, मेरी आवाज के साथ उन्होंने कैसे एक कोलाज बनाया, आई वॉज सो स्टंड बाय द फाइनल रिजल्ट, एंड आई थॉट दैट ओह माय गॉड ही इज एज गुड एज यार रहमान। सो दैट वॉज माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कार्तिक, और फिर तो ऐसे ही सिलसिले चलते रहे, और फिर यू नो वी स्टार्ट टू नो ईच अदर वेरी वेल, एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, बहुत साफ कह दिया मैंने कि मुझे संगीत ही करना है मेरे जीवन में, तो मुझे एक ऐसा ही साथी चाहिए जो मुझे मेरे संगीत को और आगे बढ़ाए और ना कि उसको पीछे ले जाए। So my parents agreed to it very graciously, and then that is it. So ऐसे हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात में से काफी सारा अभी हम संगीत कर रहे हैं, and it's I'm so blessed in this regard. निराली, इस विनम्र गुजारिश के साथ आपको ये रागगिरी का जो वर्चुअल मंच है वो सौंप रहा हूँ कि अगले 3-4 मिनट आपके हैं, आपको जो
सुनाना चाहें, जो अपनी पसंद की चीजें जो आपने अपने गुरु से सीखी हो या जो बड़े कलाकारों के साथ आपने सुना हो, वो जो आप गाती हूँ कभी कभी गुनगुनाती हूँ, वो हमें सुनाइए। एक तराना प्रस्तुत करती हूँ, मेरे गुरुजी पंडित संजीव अभ्यंकर जी का ही है, तो मेरा बहुत पसंदीदा है, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। राग कलावती में तराना। Hare 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 Shiva Shankar Hare 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 Hare
निराली, आपने रागगिरी के लिए समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माटी बानी के लिए शुभकामनाएं, कार्तिक को शुभकामनाएं, आप लोग खूब स्वस्थ रहें और ऐसे ही संगीत साधना करते रहें, ढेर सारा नाम रोशन करें और हम लोग को इस बात की जो जो संगीत के आपकी महक है उस महक से हमें हमेशा सराबोर करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, रागगिरी की शुभकामनाएं हैं। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी शिवेंद्र जी कि आपने मुझे रागगिरी के मंच पे बातचीत करने के लिए बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। खास करके आपकी हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप क्लासिकल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय है। तो बस आपका सिलसिला क्लासिकल के साथ ऐसे ही जारी रहे, वैसे मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थना। थैंक यू सो मच।